हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑफ कैंपस हायरिंग फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज है 2020-21, 2022-23 बैच के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज टॉप एमएनसी से हैं और काफी सारे कोर्सेज एलिजिबल हैं। तो 7 ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी मैकेफी की तरफ से, मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट टेक्निकल इंटर्न की, और रिमोट है सबसे बड़ी बात यहाँ पर, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो मैकेफी इंडिया लुकिंग कर रहे स्मार्ट कैंडिडेट के लिए जो कि पैशनेट है इंफॉर्मेशन और डिजिटल सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप एक टीम प्लेयर हो बहुत अच्छे, आपका अच्छा कम्युनिकेशन हो, स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, आपका C++ और डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, RDBMS के कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उन्होंने और कुछ नहीं बता रखा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी बेनिफिट्स और पर्क्स है, पेंशन, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल, डेंटल, विजन कवरेज, पेड टाइम ऑफ, पेड पेरेंटल लीव, सपोर्ट फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और उन्होंने यहाँ पर कोई बैच का भी मेंशन नहीं करा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 21-22 बैच यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चीज लिख रखी है कि ग्रेजुएट टेक्निकल इंटर्न। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आगे फुल टाइम रोल मिलने के भी चांसेस रहते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी LNT की तरफ से, मैं आपको बता दूं LTI का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है कैंपस ड्राइव है नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। कैंपस ड्राइव मतलब ऑफ कैंपस ही है 22 बैच के लिए। नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट से मेरा मतलब यह है कि अगर आपने BCA BSC कर रहे हैं आप और 22 बैच पास आउट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक्डइन पे इसकी पोस्ट भी देख सकते हैं, LNT हायर कर रही है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप डालनी है आपको, आधार कार्ड नंबर, फिर आपने क्वालिफिकेशन में क्या कर रखा है जैसे कि डिप्लोमा, BSc, BCA, BCS, BBA, MCA, MSc, MSc IT। मैं आपको बता दूं कि ब्रांच जो है वो आपकी कौन सी ब्रांच है, जैसे कि CS, IT, इंफॉर्मेशन साइंस, कोई अदर ब्रांच है, कॉलेज। आपको पूरा फॉर्म फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, आपको टेस्ट की लिंक आ जाएगी। बहुत अच्छी कंपनी है LNTI। अब हम बात करते हैं नई अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि सेल्सफोर्स की तरफ से फॉर द रोल ऑफ इंटर्न प्रोडक्ट एनालिस्ट। मैं आपको बता दूं कि ये अभी हायर कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि इनरोल्ड ऑफ सोमा फॉर ईयर और हायर एट अ कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब आप थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में 23 बैच 22 बैच आप अप्लाई कर सकते हैं। और पर उन्होंने एक चीज बता रखी है कि वर्किंग टुवर्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर साइंस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ MTECH और MCA वाले कोर्सेज ही एलिजिबल हैं, तो इसमें जरूर से अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वेल्स फॉर्गो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, मतलब आप अभी कर भी रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंटर्नशिप है ये थोड़ा परफॉर्मेंस और उससे रिलेटेड होने वाली है, तो वेल्स फॉर्गो की तरफ से बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। रजिस्टर पे जाके जरूर से रजिस्टर कीजिएगा, गूगल से लॉगिन करना है, और आगे की प्रोसेस जो है आपको मैंने काफी सारी वीडियोस में बता रखी है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से फॉर द रोल ऑफ 22 टेक्नोलॉजी स्प्रिंग एनालिस्ट प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग एनालिस्ट प्रोग्राम 6 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, और स्प्रिंग एनालिस्ट जो रहते हैं वो प्लेस्ड होते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में, ठीक है। तो अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर ऑफ स्टडी में, उन्होंने बता रखा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन और टेक्निकल मेजर सब्जेक्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स और एटलीस्ट वन ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे कि C++, C#, जावा। जॉब लेवल इंटर्न है प्रोग्राम, स्प्रिंग एनालिस्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एम्फेसिस की तरफ से फॉर द रोल ऑफ ट्रेनी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2020-21 बैच BE, BTECH, MCA ग्रेजुएट। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको थोड़ा बेसिक कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी लोकेशन से कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स और 6.3 CGPA होना चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब इन दोनों में से कोई सा एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने और मेंशन कर रखा है। और आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब हायरिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अप्लाई पे जाके आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेकर यूजर्स की तरफ से फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर ऑक्सिलरी सिस्टम्स। ये ऑफिशियल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियर्स के लिए। आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 5 ईयर्स का आपको डिजाइन एंड टर्बो मशीन ऑक्सिलरी में,
प्रिफरेबली गैस टर्बाइन में आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जॉब टोटल आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड है, मतलब आपकी टेक्निक, मतलब कोर ब्रांच से मेरा मतलब है कि अगर आप मैकेनिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, तो उससे रिलेटेड ये जॉब है सिस्टम्स इंजीनियर ऑक्सिलरी सिस्टम की, तो इसमें जरूर से अप्लाई कीजिएगा, पर इसमें ग्रेजुएट्स बैच एलिजिबल है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यूनाइसिस की तरफ से मैं आपको बता दूं, फॉर द रोल ऑफ एसोसिएट डेवलपर दो कैटेगरी बताई है, अर्ली करियर स्टूडेंट और सिक्योरिटी क्लाउड सर्विसेज। उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि उनको बैचलर्स डिग्री चाहिए और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, आपको कोई भी प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग में, अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी फैम्पे की तरफ से फॉर द रोल ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन इंटर्न, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स यही है कि आप प्री फाइनल या फाइनल ईयर में हो, 22-23 बैच हो, आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, 22-23 बैच है, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल हो 3 मंथ के ड्यूरेशन के लिए, स्टाइफंड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वर्क मिल सकता है फुल टाइम एट फैम्पे। मैं आपको बता दूं टी शर्ट्स और गुडीज मिलेगी, बहुत अच्छी चीज है, जरूर से इसमें अप्लाई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।